अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं जी। आज मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम, और तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ, और क्योंकि ज़ोया की वजह, जैसे मैंने बताई थी कि मैं से अक्सर लाया करती हूँ, बट कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं ला पा रही थी से। सो मुझे थोड़ी भी करनी थी ग्रोसरी, घर में रोटी नहीं है, सो रोटी लाने के लिए मुझे जानी पड़ेगी अवान शॉप, जो कि उस साइड में है। तो ये है अवान शॉप, यहाँ पे जितने हैं वही आई थिंक नाम भूल गए स्ट्रीट का, जॉर्ज या कि जॉन है, जॉन स्ट्रीट, हाँ जॉन स्ट्रीट। तो यहाँ पे आई हूँ रोना लूँगी, और कॉल से थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत, सो फिर फुल टाइम लाइब्रेरी जो है भी थोड़ा टाइम स्पेंड करने के उम्मीद भी वहाँ पे, दोनों के लिए अच्छी खासी एक्टिविटी है वहाँ पे। सो रोड क्रॉस करना है हमने एहतियात के साथ, विद केयर एंड क्रॉस द रोड, सो वी शुड डू इट। यहाँ पे भी मैं पार कर सकती थी, बट चांसेस बहुत ही कम मिलते हैं यहाँ पे आपने कार पार करनी हो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे बहुत ही रश होती है। हाँ आज बहुत ही गर्मी है, और उस गर्मी में मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है, तो सजा गर्मी में इस ब्लैक ड्रेस, ओह माय गॉड, पता नहीं ये गलती क्यों मैंने की आज। हाँ जो जैसे देख रहे हैं आप, हम लोग पहुंच गए थे जॉन स्ट्रीट, और जॉन स्ट्रीट सिर्फ मैं यहाँ पे आती हूँ ग्रोसरी करने के लिए। यहाँ पे तो आपको हर चीज़ मिल जाती है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रोसरी की शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है यहाँ पे अवान शॉप बहुत ही ज़्यादा होती है, और रिलेटेड टू ग्रोसरी आपको हर चीज़ मिल जाती है, और दूसरी चीज़ें यहाँ से मैं शॉपिंग करती नहीं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मुझे ये लगती है कि यहाँ से नस्बत जो है शॉपिंग सेंटर में जो कुछ मिल जाती है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की होती है। यहाँ पे को आपको जो इंपोर्ट किए हुए सामान तो मिल जाएंगे। जा रही भी पहले मुझे कॉल जाने पड़ेगी, क्योंकि लाइब्रेरी में इतना ज़्यादा टाइम चाहिए, और कॉल्स के टाइम भी बहुत ही कम है, तो वहाँ पर पहले जाने होगी, तो दो राउंड हमें लगानी पड़ेगी। नो वरीज, अच्छी बात है, वाक भी हो जाएगी साथ में। तो जी वर्स हम लोग पहुंच गए थे शॉपिंग सेंटर, और यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत कॉल से शॉपिंग करनी थी, और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से कर देंगे, क्योंकि लाइब्रेरी के हमारे लिए पास टाइम बहुत ही कम होगी, और क्योंकि ज़ोया को मुझे ले जाना था लाइब्रेरी, और ज़ोया जो है वो सो गई थी, तो मैंने इसी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर ली शॉपिंग सेंटर में, ताकि ज़ोया जो है वो नींद से उठ जाए, और उसे मैं कुछ स्नैक वगैरह दूँ ताकि वो थोड़ा बहुत खा लें, क्योंकि लाइब्रेरी में जब ज़ोया जाती है तो उसके ध्यान सिर्फ दूसरी एक्टिविटीज़ में रहती है, और खाना बिल्कुल भूल जाती है, तो दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड कर ली शॉपिंग सेंटर में, एंड देन हम लोग निकल गए लाइब्रेरी की तरफ, और वहीं पे आपसे मिलेंगे, और देखते हैं कि आज ज़ोया कौन सी एक्टिविटी ज्वाइन कर लेती हैं। जो जैसे आप देख रहे हैं ज़ोया जो है यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो गई थी,
और यहाँ पे वो सिर्फ बुक और दूसरे टॉयज के साथ उतनी नहीं खेल रही थी और ना ही दूसरे बच्चों के साथ। इसकी फेवरेट प्लेस यहाँ पे यही होती है कि बुक्स अपने लिए ले आए और कलेक्ट कर ले, जो ज़्यादा उसे अट्रैक्ट कर लेती है तो मोस्ट ऑफ टाइम उसी के साथ खेल लेती है। तो यहाँ पे मैंने पहली बार ये सेटअप देखी थी, उन्होंने जो गेम के लिए एक अलग से उन्होंने सेटअप बनाई हुई थी। मे भी इन्होंने ये नया एरिया बनाया है क्योंकि मैं इससे पहले यहाँ पे नहीं आई थी। तो हम लोग ने यहाँ पे वेट करे थे और यहाँ पे जो होते हैं उनसे मैंने बात की कि हमारे लिए जो गेम है वो प्ले कर दें। फिर फाइनल हम लोग लाइब्रेरी से भी फ्री हो गए और निकल गए घर की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी थी और मैं चाह रहे थे घर चाहते जल्दी से खाना खा लूँ। और आज जो मैंने बनाई थी वो थी हलीम। हलीम आज मैंने जो ट्राई की थी विद डिफरेंट रेसिपी और मैं भूल गई थी और के रिकॉर्ड कर लूँ, ध्यान ही नहीं रही, क्योंकि जब बास औकात काम ज़्यादा होती है और मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ती है एक टाइम तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो एंड में मैंने कहा कोई बात है, इसका जो लास्ट व्यू है आपके साथ शेयर कर लूँ। और बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, इसके ऑयल भी बिल्कुल मुनासिब, इसके स्पाइसी भी बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे टेस्ट के मुताबिक होते हैं। सो फाइनली लंच भी कर लिया और आज जो है थोड़ा मूड ऑफ थी मेरी। बास औकात होती है कि आपका मूड जो है चेंज होते रहते हैं, तो इस दिन मेरा मूड सही नहीं थी। तो हम लोग निकल गए बाहर थोड़ा सा फ्रेश अप होने के लिए, और जिस जगह हम लोग आए थे इसका नाम था गार्डन आइसलैंड। और ये गार्डन जो है ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती इस एरिए की, आई डोंट नो ऐसा क्यों है। हम जब यहाँ आए हैं तो बहुत ही कम यहाँ पर रश पाते हैं, हालांकि बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी जगह है। और ये जगह आते ही तो मुझे बहुत ही सुकून मिलती है। अमूमन हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे घर के बहुत ही करीब है ये, और यहाँ पे डॉल्फिन भी देखने को मिलती है और बहुत से ड्रोन वगैरह भी। सो दैट्स द मेन रीज़न कि जो डॉल्फिन देखना हो तो यहाँ पर आना लाजमी बनता है। तो आज मौसम भी बेहतर थी और टाइम भी हमारे पास थी और मूड बेहतर करने के लिए, तो ये बेस्ट प्लेस। सो दैट्स द रीज़न हम लोग यहाँ पे आ गए विज़िट करने के लिए। और थोड़ा सा जो है शाम भी हो रही थी, गर्मी भी नहीं थी क्योंकि आज का मौसम बहुत ही गर्म था जैसे मैंने आपको बताई थी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, और सबसे पहले पहुँच कर ही हम लोग निकल गए समंदर की तरफ, क्योंकि सबसे बेस्ट जो व्यू होता है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग, मैं सोच रही थी कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अच्छा, हम थोड़ा सा लेट आए हैं, लाइक हमेशा लेट ही होते हैं, और बहुत ही औकात ऐसे होते हैं कि जब आप चीज़ साथ जाते हैं तो जो समंदर का आवाज़ इतना ज़्यादा होता है कि आप ख़ुद अपने बात को अच्छी तरह नहीं सुन पाते। बट यहाँ पे इतना खामोशी, लगता नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दूर दूर तक आप जैसे देख सकते हैं बिल्कुल, हर जगह बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं, और बेस्ट प्लेस है। कभी कभार आपको ऐसी जगह आनी चाहिए जहाँ पे शोर हंगामा। आज का मौसम बहुत ही बेहतर थी सुबह और अभी तक, बस अभी रात हो रही है, मगरिब की टाइम, बस लिटिल बिट टर्न हो रही है यहाँ पे। सोया जी, वाटर 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 जोया है पहली बार इतने करीब से पानी को देख रही है, तो उसके एक्साइटेड लेवल है कुछ एक्स्ट्रा है। और हम चाहते हैं हम यहाँ से निकले, थोड़ा सा आगे जाएं, बट ये नहीं चाह रहे कि हम लोग जाएं यहाँ से।
जोया जो है मैं रख ही नहीं रही कि हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके, वो चाह रहे कि पानी को टच कर ले, जो कि पॉसिबल है, बहुत ही डीप है पानी, हो गई क्योंकि समंदर है तो डीप होनी चाहिए। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है मगरिब के टाइम, हमेशा हमेशा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, जो बहुत खूबसूरत मंजर होती है मगरिब के टाइम स्पेशल। तो आई एम लकी कि मोस्ट ऑफ टाइम मैं इसे कैप्चर कर पाती हूँ। अभी हवा भी तेज़ हो गई है, जब हम गए इतना हवा नहीं चल रही थी, अभी बहुत ही तेज़ हो रही है। जी बस हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं क्योंकि अभी ठंड हो रही है, जिस आप जैसे देख रहे रात हो गई है, मतलब रात होने वाली है, और जोया जो है रो रही है, उसे बैठने नहीं गाड़ी में, तो गाड़ी में बैठ कर फिर आपसे मिलेंगे, सो स्टे ट्यून विद अस। हाँ जी बस जैसे आप देख रहे हैं हम लोग फाइनली निकल गए यहाँ से, और रात भी हो रही थी और हम लोग आए थे शाम के वक्त, तो ये टाइम बहुत ही बेस्ट होती है यहाँ पे आना, और आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू भी मिलती है साथ में। और जोयक जो है उसे भी लगी थी बुक, और हमें भी बुक लग रही थी क्योंकि हलीम हम लोग ने कहा ली थी, बट वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, दैट्स द रीज़न कि हम बुक भी जल्दी लग जाती हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्लानिंग ये थी कि हमें अभी तक हमारे पास टाइम बहुत है, तो बेहतर है हम लोग किसी नज़दीक रेस्टोरेंट में जा के डिनर कर लेते हैं, क्योंकि घर पहुँचते ही फिर अगेन वो होगी, टाइम ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए तो हमने फटाफट अपना ऑर्डर दे दिया, और जोया के लिए मंगवाए नगेट्स एंड फ्राइज, और अपने लिए हम लोग ने मंगाई थी मटन कड़ी विथ चलो कबाब। सो खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए घर की तरफ, और ऑलमोस्ट बज रहे थे 9:30 के करीब। तो दैट्स द मेन रीज़न कि लेट नहीं होना चाह रहे थे, और जोया जो है वो भी थक गई थी, और क्योंकि सारा दिन मैं और जोया जो है थे बाहर। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियोस। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।